अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक न्यू एप्लीकेशन आई है जिसका नाम है लैम, और जिस पे आप विदाउट इन्वेस्टमेंट एक रुपया लगाए बगैर आप डेली के 400 से 500 रुपए कमा सकते हैं। किस तरह से कमाने हैं और बेसिकली हमने काम क्या करना है और क्या ये एप्लीकेशन रियल है या फेक है, आज की इस वीडियो में आपको शुरू से लेकर एंड तक सारा डिटेल से बताने वाला हूं। बहुत सी ऐसी एप्लीकेशन पहले आई है जिसने आपको मुख्तलिफ टास्क दिए और इन्वेस्टमेंट का कहा कि इन्वेस्ट करें, जैसे कि 97 मेट्रो थोड़े दिन पहले, आईडिया पाकिस्तान, ये वो एप्लीकेशन है जिन्होंने ने लालच दिया लोगों को क्या कहते हैं, बताया कि आपने क्या करना है, इस पे इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको इतने पैसे मिलेंगे। और इस तरह से जब लोगों ने इन्वेस्ट किया, उनको इतने पैसे मिले, लोगों ने लालच में आके ज्यादा इन्वेस्ट किया, तो क्या हुआ, एप्लीकेशन ही बंद, सब कुछ गायब। इसी तरह से बहुत सी ऐसी एप्लीकेशन आई जिन्होंने लोगों को चूना बहुत लगाया, ठीक है, पाकिस्तानी अवाम को। हम पाकिस्तानी अवाम कोई स्किल नहीं सीखते, हम देखते रहते हैं कि कब कोई नई ऑनलाइन अर्निंग की एप्लीकेशन आएगी, उस पर हम पैसे लगाएंगे, हमें 4-5 पैसे मिलेंगे, फिर हम जब ज्यादा लगाएंगे तो एप्लीकेशन लेके हमारे पैसे दौड़ जाएगी। ये काम हर बार होता है, हर बार ये एप्लीकेशंस, ये वेबसाइट स्कैम करके लोगों का पैसा लेके भाग जाती हैं, लेकिन लोग सीखते नहीं है इस चीज से। तो आज की ये जो वीडियो है, इसके अंदर जिस एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, LAM, लैम एप्लीकेशन, लैम अर्निंग एप्लीकेशन, जिसपे आप डेली के अगर टास्क कंप्लीट करें तो इन्होंने कहा है कि आप 5 से 10 हजार पे भी कमा सकते हैं इस एप्लीकेशन पे, सिर्फ टास्क कंप्लीट करके। इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं करनी, घर बैठ के, ठीक है, आप बिस्तर में लेटे हो, जहां पे मर्जी बैठे हो, सिर्फ टास्क कंप्लीट करो और आपके पैसे बनते रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसकी 1 लाख से ऊपर जो है वो डाउनलोड हो गए हैं। जब आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन करते हैं तो आपके पास वही टिपिकल इंटरफेस आता है कि आपने साइन अप करना है, ठीक है, अकाउंट बनाना है, अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, और फिर आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस शो होता है, मैं आपको लेफ्ट या राइट साइड पे दिखा रहा हूँ। बेसिकली हमने इस एप्लीकेशन के ऊपर करना क्या होता है, हम जब एप्लीकेशन को ओपन करते हैं लॉग इन करने के बाद, साइन अप करने के बाद, तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आता है। अब फर्स्ट पे आपके पास होम पेज शो हो रहा होता है जिसपे आपको मुख्तलिफ जो है वो चीजें दिखाई जाती हैं कि आप YouTube पे सब्सक्राइब करें, या YouTube पे लाइक करें, YouTube पे वीडियोस को देखें, और वीडियो देखने के बाद आपको इतने पैसे मिल जाएंगे और आप उसको सिंपल विड्रॉ कर सकते हैं। उसके अलावा आपको Instagram, TikTok और Facebook का भी ऑप्शन मिल जाता है कि आप इन पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं अकाउंट्स वगैरह को, और उसके अलावा आप लाइक्स वगैरह करके आप अर्निंग कर सकते हैं। ये बात तो समझ आती है कि हम किसी का काम कर रहे हैं और उस काम के बदले में हमें कुछ ना कुछ पैसे मिल रहे हैं, वो हमारे अकाउंट में आ रहे हैं, हम उसको निकलवा सकते हैं। मजे की बात इस एप्लीकेशन में तो आपको तब देखने को मिलेगी जब आप इस एप्लीकेशन के VIP वाले बटन के ऊपर टैप करेंगे। जैसे ही टैप करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ फीचर्स, मुख्तलिफ आपको चीजें देखने को मिल जाती हैं, जिसमें आपके पास सबसे पहले नो वॉइस लिखा हुआ है, जिस पर आप एक ऑर्डर कंप्लीट करके 40 रुपए कमा सकते हैं। उसके अलावा आप जितने ऑर्डर कंप्लीट करेंगे, आपने 10 ऑर्डर कंप्लीट किए, 400 रुपए मिलेंगे, 100 ऑर्डर कंप्लीट किया, इसी हिसाब से आपके जो है वो पैसे बढ़ते जाएंगे, और आप डेली के जितने मर्जी ऑर्डर्स कंप्लीट करना चाहें कर सकते हैं, बैठ के बस ऑर्डर लगाते जाएं, कंप्लीट करते जाएं, और आपके पास 40-40 रुपए आते जाएंगे, कुछ नहीं करना, ना आपको वीडियो बनानी है, ना आपको जो है वो ब्लॉगिंग करनी है, ना आपको कुछ करना है, बस आपके बैठ के ऐसे ऐसे ऑर्डर लगाते जाना है और आपके 40-40 रुपए बनते जाएंगे, बहुत आसान काम है, ठीक है। उसके बाद नीचे आए तो आपको असिस्टेंट का ऑप्शन मिलेगा, स्टाफ का ऑप्शन मिलेगा, ट्यूटर का ऑप्शन मिलेगा। आप इस एप्लीकेशन पे पैसे देके CEO तक बन सकते हैं, इस वेबसाइट के, इस एप्लीकेशन के CEO तक बन सकते हैं। भाई ये कौन सी एप्लीकेशन है जिसपे हमने काम करना है पैसे कमाने के लिए, और हमें ही कहा जा रहा है कि आप पैसे दें, और आप जब पैसे देंगे तो आपको उस हिसाब से इतना प्रॉफिट मिलेगा, इतने पैसे देखने को मिलेंगे, और ये कैसी एप्लीकेशन है जो खुद बगैर किसी किस्म का पोर्टफोलियो नहीं मांग रहे, ये आपको मैनेजर तक बना रही है, ये आपको CEO तक बना रही है, आपको स्टाफ तक बना रही है, और क्या करना है आपने, सिर्फ पैसे देने। अगर आप इनका स्टाफ मेंबर बनना चाहते हैं तो जस्ट आपको 15,000 रुपए देने हैं, और आपको 15,000 के अलावा कुछ और नहीं देना, कोई पोर्टफोलियो नहीं, अनपढ़ भी हैं तो आपने बस 15,000 सेंड करने हैं, आप स्टाफ मेंबर बन जाएंगे। आगे आप कितने पैसे मंथली कमा सकते हैं, मंथली आप 18,000 से ऊपर कमा सकते हैं, और आप एनुअली कितने कमा सकते हैं, 2,16,000 से भी ऊपर पैसे कमा सकते हैं इस एप्लीकेशन पे आप एक स्टाफ मेंबर बन के। भाई ये कौन सी एप्लीकेशन है? तो इन छोटी छोटी चीजों से पता ये चलता है कि ये एप्लीकेशन फेक है। हम क्या करते हैं, हम पाकिस्तानी यूट्यूबर्स सबसे पहले ये चीज चेक करते हैं कि बेसिकली इसका विड्रॉल कैसे है, हम विड्रॉल हम क्या ले सकते हैं कि नहीं, क्या हम इजी पैसे जैस कैश के अंदर पैसे निकलवा सकते हैं या नहीं, तो हम ये चीज देखते हैं और कुछ नहीं चीज देखते, और जो काम हो वो हम करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसी ही बात है, ये बिल्कुल सच बात है। देखिए, जो बंदा इस एप्लीकेशन को डेवलप कर रहा है, डिजाइन कर रहा है, उसके लिए ये इतनी मुश्किल बात नहीं है कि वो विड्रॉल वाले ऑप्शन में एक जैस कैश और इजी पैसे का जो है वो एक
पिक्चर नमा एक चीज ना डाल दे, क्योंकि ये पिक्चर टाइप ही होती है, काम तो इनका कोई होता नहीं है, एक जस्ट यूआई ही होता है, काम इनका कुछ नहीं होता, जस्ट ऊपर इन्होंने लिख देना होता है इजी पैसा और जैस कैश। तो इस एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको थोड़ा और भी इधर बताता चलूं जो कि मैंने नोटिस किया। सबसे पहले तो मैंने जब थोड़ा रिसर्च की तो मुझे पता चला कि ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है यूके बेस्ड एप्लीकेशन। यूके में कोई जो है वो मतलब एक दफ्तर है और वो वहां से बैठ के जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। भाई उन्होंने बैठ के ऑपरेट करना है और उनको कोई कंट्री नहीं मिली, कोई और मुल्क नहीं मिला, वो हम पाकिस्तानियों को ही टारगेट कर रहे हैं और हमारे जो विड्रॉल वाले ऑप्शन है वहां पे इजी पैसा जैश कैश का जो है वो बटन दिया हुआ है कि यहाँ से आप विड्रॉल ले सकते हैं, बाकी कोई और ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो एक चीज ये नोट करनी है। दूसरी चीज, जब आप इस एप्लीकेशन को देखेंगे 1 लाख से ऊपर डाउनलोडर्स हैं और इस एप्लीकेशन का साइज कितना है, तकरीबन बहुत कम साइज है और इतने कम साइज में मतलब सिर्फ आप एक एप्लीकेशन मेरे ख्याल में आप नहीं बना सकते, कोई डिजाइनर या कोई डेवलपर इतनी बड़ी एप्लीकेशन को 3 से 4 MB के अंदर फिट नहीं कर सकता, तो आप इस चीज को भी लाजमी नोटिस करें। तीसरी चीज, जब आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो है ये यूके बेस्ड एप्लीकेशन लेकिन आपको पहले उर्दू के अंदर एक नोटिस मिलेगा आप ताकि पढ़ सकें उर्दू के अंदर, आपको मसला ना हो, ये उन्होंने आपके लिए जो है वो आसानी पैदा की है। तीसरे नंबर पे, जब आप इस एप्लीकेशन को अगर आप और पुराने यूजर हैं यानी आपने कुछ दिनों पहले इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यूज कर रहे हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि पहले जो विड्रॉल का इसमें ऑप्शन था वो इंस्टेंट विड्रॉ आपको दे रहे थे, क्योंकि ऐसा ही होता है जब एप्लीकेशन नहीं आती है वो आपको विड्रॉ देती भी है पहले 1-2 महीने, लेकिन जब उनके पास अच्छी खासे प्रॉफिट आ जाता है, डिपॉजिट अच्छा खासा आ जाता है, फिर ये क्या करते हैं, एप्लीकेशन ही खत्म हो जाती है, सब कुछ बंद हो जाता है। तो अब अगर आप देखें तो इस एप्लीकेशन में थोड़ी रिस्ट्रिक्शन आ गई है कि आप जो है वो डेली विड्रॉ नहीं कर सकते, सिर्फ 2 से 3 दिन और कुछ टाइमिंग दे दिया है कि इस टाइम के अंदर ही आप विड्रॉ कर सकते हैं, उसके अलावा आप विड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, इसका ऑप्शन ही खत्म कर दिया है, सिर्फ 2 दिन आप विड्रॉ कर सकते हैं, उसके अलावा आप डिपॉजिट करवाना चाहें तो वो हम बैठे डिपॉजिट आप करवा सकते हैं लेकिन विड्रॉ आप नहीं करवा सकते। तो ये छोटी छोटी इनकी मिस्टेक्स इस चीज की तरफ इशारा करती हैं कि ये एप्लीकेशन अनकरीब ही जो है वो दौड़ने वाली है, आपके जो भी पैसे हैं अब निकल तो रहे नहीं हैं, डूब ही गए हैं समझे। अब जो भी एप्लीकेशन है, अब मैं आपको ये कह देता हूँ कि जो भी एप्लीकेशन है, जो भी नाम है इसका, आने वाले दिनों में इसने दौड़ जाना है, इस 1 माह के अंदर ही इस एप्लीकेशन में जो है वो भाग जाना है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, मैं आपको एक स्टोरी टाइप सुना देता हूँ। जो भी एप्लीकेशन आती है, हमारे जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स होते हैं जिनको ज़्यादा नहीं पता होता, वो क्या करते हैं कि इन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इन एप्लीकेशन को जो है वो यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट पहले 1-2 माह में ये एप्लीकेशन आपको विड्रा देती हैं, जब उनको विड्रा मिलता है तो वो फिर इस तरह से जो है वो मतलब वीडियो बनाते हैं, इतना लंबा चौड़ा खींच के लिखते हैं अपनी वीडियोज़ के थंबनेल के अंदर कि मैंने इतने पैसे कमा लिए और आप इतने पैसे कमा सकते हैं, आपने ये काम करना है, आपने मेरा रेफरल कोड लगाना है और आप इतने पैसे अर्न कर सकते हैं। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ वीडियोस देखनी है, आपने लाइक करना है, ये करना है, तो लोग उनकी तरफ उनकी वीडियोस को देख के जो है वो मतलब एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लेते हैं। तो इसी तरह से जब लोग ज्यादा डिपॉजिट करना शुरू कर देते हैं और डिपॉजिट के बाद निकलवाते काम हैं तो क्या होता है कि जब उनके पास ज्यादा प्रॉफिट आ जाता है, ज्यादा डिपॉजिट आ जाता है तो वो एप्लीकेशन दौड़ जाती है। इसी तरह ही होता है, बहुत सी एप्लीकेशन आज तक दौड़ चुकी हैं और आने वाले दिनों में भी ऐसी एप्लीकेशन आपके साथ स्कैम करेंगी। मैं आपको पिछली वीडियोस के अंदर भी बताता रहता हूँ कि इन एप्लीकेशन से दूर रहा करें, कोई स्किल सीख लें, ठीक है, कंटेंट राइटिंग सीख लें, गेस्ट ब्लॉगिंग सीख लें, इसी तरह का कोई और काम कर लें, लेकिन इन एप्लीकेशन की तरफ ना जाया करें। जो आपके पास पैसे हैं वो भी आपके पैसे इन एप्लीकेशन पे जाया होते हैं, वेस्ट होते हैं, कुछ कमाने के बजाय आपके पास जो है आप वो भी जाया कर रहे हैं, वो भी वेस्ट कर रहे हैं। और मैं पाकिस्तानी उन यूट्यूबर्स को भी कहना चाहता हूँ जो बगैर किसी कन्फर्मेशन के इन पर वीडियोज बना देते हैं कि इस एप्लीकेशन पर जाके आपको काम करना है, पैसे लगाने हैं, मैं गारंटी देता हूँ पैसे लगाएं और आपके पास इतने पैसे भी आएंगे। अब मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि कुछ यूट्यूबर्स स्पॉन्सर्स भी होते हैं, वो एप्लीकेशन उनको पैसे देती है कि मैं आपको पैसा देती हूँ और आपने क्या करना है कि मेरी वीडियो बना देनी है कि इतने पैसे आपको मिल जाते हैं, ये वो है, ये सारा काम जो है वो इस तरह से बता देती है। तो कुछ लोग स्पॉन्सर्स भी होते हैं और फिर क्या होता है कि जब एप्लीकेशन भागती है तो फिर उन लोगों का भी पता नहीं होता, उन यूट्यूबर्स का भी पता नहीं होता। तो आप काइंडली इस चीज़ को कन्फर्म करके वीडियो बनाया करें, साथ में वीडियो के शुरू में ये कह दिया करें कि ये एप्लीकेशन अभी अभी नहीं आई है और इसका मुझे आइडिया नहीं है, अभी तो ये विड्रा दे रही है, आने वाले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में ये एप्लीकेशन दौड़ जाए तो मुझे आपने नहीं पकड़ना, आपने खुद के जो है वो रिस्क पे पैसे लगाने हैं, पैसे निकलवाने हैं, मैं इस चीज़ का जिम्मेदार नहीं हूँ। ठीक है, या तो आप ये चीज़ लोगों को पहले बता दिया करें तो इससे लोग अवेयर हो जाते हैं, वो अपने पैसे सोच समझ के लगाते हैं इन एप्लीकेशन। होपफुली आपको ये पता चल गया होगा ये जो लैम एप्लीकेशन है बेसिकली रियल है या फेक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जब आप कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे उसमें नोटिस करेंगे तो आपने उस एप्लीकेशन डिलीट कर देनी है। आगे लोगों को भी ये मना करना है कि इस तरह की कोई एप्लीकेशन डाउनलोड ना करें,
आपके पैसे जाए होंगे, आपका वक्त जाया होगा। सो होपफुली आपको समझ लग गया होगा कि आज की इस वीडियो में आपको बताना क्या चाह रहा था। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।